हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे वन वे स्लैब कि वन वे स्लैब क्या होता है, उसकी बेसिक थ्योरी क्या होती है। ये हमको छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि वन वे स्लैब होता क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्लैब के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ स्लैब के बारे में पढ़ लिया था, और हम लोग इस लेक्चर में स्पेसिफिक पॉइंट देखेंगे कि वन वे स्लैब होता क्या, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते चलते हैं, देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात। देखिए, बेसिक जो मेन कैटेगराइजेशन पहले किया जाता है वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के अकॉर्डिंग करते हैं। इट मीन्स कि यदि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या हो, दो गुने से अधिक हो। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए ये कोई स्लैब है, ये ठीक है, ये क्या है आपकी लंबाई एल वाई में है और ये क्या है उसका एल एक्स है। क्लियर? तो क्या हो कि एल वाई अपॉन एल एक्स किससे बड़ा हो, दो से हमेशा बड़ा हो। अगर इस प्रकार की कंडीशन बन रही है किसी भी स्लैब में तो वो क्या कहलाता है, हमारा वन वे स्लैब कहलाता है। क्लियर है? यानी कि उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई में चौड़ाई का डिवाइडेशन करने पे यदि उसका मान दो से अधिक आ रहा है तो हमारा किस प्रकार का स्लैब होगा, वन वे स्लैब होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आता है, देखिए इसी वन वे स्लैब में कितने पॉइंट है समझते चले हैं। दूसरा पॉइंट है अभिकल्प पट्टी, यानी कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो अभिकल्प जो पट्टी होती है वो लंबाई के दिशा में 1 मीटर चौड़ाई की पट्टी दी जाती है। क्लियर है? जैसे ये मान लीजिए हमने टोटल लंबाई माना और इसे हम किसे एल वाई से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये क्या होगा, इसमें हम लोग 1-1 मीटर की पट्टी पर एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? देखिए एक नोट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मेन रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड किया जाता है वो छोटे पार्ट के समांतर रखी जाती है। इट मींस कि इसमें आपके दो स्पैन होंगे, एक लॉन्गर स्पैन होगा एक शॉर्टर स्पैन होगा, तो हम लोग जो मेन रेनफोर्समेंट बार होगा वो हमेशा कहाँ प्रोवाइड करेंगे, शॉर्टर स्पैन के साइड, हमेशा शॉर्टर स्पैन में हम क्या करेंगे, शॉर्टर स्पैन के समांतर हम मेन रेनफोर्समेंट बार को प्रोवाइड करते हैं, मुख्य स्पार को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला, वितरण स्पार। यानी कि ये दोनों पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया कि लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का क्या रेशियो होगा, देन इसमें पट्टी कितने पर ली जाएगी और लंबाई के दिशा में। थर्ड पॉइंट देखते हैं वितरण स्पार, यानी कि वितरण स्पार क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बार जो होगा हमारा वो क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो बार हम लेते हैं वह पूरे कंक्रीट के क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 0.15% लिया जाता है या 20% मुख्य इस्पात का क्षेत्रफल, यानी कि जो मेन बार रहेगा उसका क्षेत्रफल का 20% या जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कंक्रीट का उसका 0.15% हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बार के लिए लेते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये बार दो प्रकार के बार हो गए, कौन कौन से, मुख्य इस्पात होगा, मेन बार हो गया और डिस्ट्रीब्यूटेड बार हो गया। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटेड बार कितने अंतराल पे दिए जाने चाहिए और वह कितने साइज के होने चाहिए, उसकी डाया कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डाया कितनी होनी चाहिए, तो ये हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि मुख्य इस्पात के रहते ये 4% से 6% दिया जाता है। क्लियर? 4% से 6% दिया जाता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, और वितरण क्षण जो है वो 0.15% या मुख्य इस्पात के क्षेत्रफल का 20% दिया जाता है। क्लियर? ये दोनों ऑप्शन में कभी कभी मिल सकता है, या ये ऑप्शन दे दे या ऑप्शन दे दे, मैक्सिमम आपका ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 0.15%। क्लियर? देखते हैं जो छड़ों का व्यास होगा और अंतराल होगा, जो उसकी स्पेसिंग होगी वो गिनी जाती है और उसका डाया गिनी जाए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यानी कि जो मेन छड़ होता है, जो मेन बार होता है, उसकी जो साइज होनी चाहिए, मिनिमम साइज जो होनी चाहिए वो कितनी होगी, 10 mm। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मिनिमम साइज ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार, तो मिनिमम साइज ऑफ द रेनफोर्समेंट बार कितना है, 10 mm। या हम लोग क्या करते हैं, उस जो थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो स्लैब की थिकनेस है उसकी 1/8 लेते हैं। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे, इन दोनों में याद रखिएगा एक ही ऑप्शन में देगा, या देगा 10 mm देगा या फिर आपका देगा 1/8 थिकनेस ऑफ द स्लैब। क्लियर है? तो ये मेन बार होगा, और मेन बार हमेशा कहां प्रोवाइड किया जाता है, हमेशा याद करिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि जो मेन बार होता है वो किधर प्रोवाइड किया जाता है, तो मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? याद करिएगा, शॉर्टर स्पैन में, जो उसका शॉर्टर स्पैन होगा। क्लियर? देखिए जब अब मेन रेनफोर्समेंट बार की स्पेसिंग कितनी होगी, उसे कितने अंतराल पर रखा जाए, तो जो मेन रेनफोर्समेंट बार की स्पेसिंग है वो दो चीजों को हम लोग देख के करते हैं। दो चीजें हैं, पहला पॉइंट क्या है,
थ्री इंटू स्लैब की प्रभावी मोटाई, या जो स्लैब की प्रभावी मोटाई है उसमें तीन का गुणा कर दिया है, पहला ये है, या 300 mm. अब देखिए इन दोनों में जो मिनिमम होगा वह हम एक्सेप्ट करते हैं, या ये मिनिमम हो या ये मिनिमम, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम लोग ये देंगे। अब देखिए यहां से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्पेसिंग ऑफ द मेन बार में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। तो देखिए इतने में हमने क्या बताया, हम लोग मिनिमम लेते हैं, और मैक्सिमम की अगर बात पूछ दिया जाए तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं मिनिमम, अगर ये ऑप्शन में कभी कभी देता है तो 300 mm पे आप टिक करेंगे, क्लियर है, मिनिमम रेनफोर्समेंट बार के लिए 300 mm। अब देखिए वितरण छड़े के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड बार के लिए क्या होगा, जो डाया होगा वो हम 6 mm से लेके 10 mm तक डिस्ट्रीब्यूटेड बार के लिए प्रयोग कर सकते, और स्पेसिंग क्यों देगी, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या हो गया 5 होगा, 5 इंटू स्लैब की प्रभावी मोटाई, और दूसरा जो ऑप्शन है इसका है 450 mm, क्लियर है। तो अगर ऑप्शन पूछता है कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में कि डिस्ट्रीब्यूटेड बार के लिए स्लैब में कितनी स्पेसिंग दी जाती है, आप 450 mm भी टिक कर सकते हैं। तो इतनी पॉइंट आपको, चार पॉइंट क्लियर हुआ, देखते रहिए। पहला क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात LY/LX जो ग्रेटर होना चाहिए 2 से, और शॉर्टर स्पेन में 1 मीटर लिया जाता है, और वितरण छड़ देखिए इससे आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पहला यहां से बन जाएगा, देन दूसरा यहां से बन जाएगा, और तीसरा यहां से बन जाएगा, तो 3 क्वेश्चन आप ये क्लियर हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, क्लियर। तो मेन बार के जो मेन बार उसकी डाया कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर की डाया और स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, क्लियर है ये बात। एक पॉइंट और आपको समझना है, आवरण कितना दिया जाता है, तो आवरण आवरण क्या होता है, देखिए जो कंक्रीट होता है उससे कितनी ऊंचाई पर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाए, यानी रेनफोर्समेंट को दिया जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, आवरण कहलाता है। तो आवरण कितना देता है, प्रबलन छड़ों को सिरों पर कितना दिया जाता है 25 mm, या 2 इंटू छड़ों के ब्यास जो भी अधिक हो, या 25 mm अधिक हो या 2 इंटू छड़ों का ब्यास, इसमें से जो भी अधिक होगा हम उसको क्या करेंगे, उतना आवरण देंगे, या 25 mm अधिक हो या 2 इंटू छड़ों का ब्यास का अधिक हो। तो जनरली हम लोग क्या होता है, अगर नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है तो हम लोग 25 mm प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां से हम लोग वन वे स्लैब के बारे में क्लियर कर चुके हैं कि वन वे स्लैब होता क्या है, और इसमें कौन कौन सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो मेन आपका क्या है, LY/LX का मान जो हो वो 2 से अधिक हो, मेन बार डिस्ट्रीब्यूटेड बार और वितरण बार कितनी परसेंटेज मात्रा होती है ये हम लोग जान चुके हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग इसके बाद ये देखेंगे कि टू वे स्लैब क्या होता है, क्लियर। तो वन वे स्लैब आपका क्लियर हो गया, इसके बाद देखेंगे टू वे स्लैब क्या होता है, क्लियर। ओके, थैंक यू।